यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शस्त्र पूजा कर चोरी करने वाली बिहारी गैंग का वसई मणिपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। वसई की मणिपुर पुलिस ने आज बिहार से आकर चोरी करने वाली एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जिसकी चोरी एवं घरफोड़ी करने की तकनीक एकदम अलग है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले की एक गैंग जिसके कुल 5 सदस्य है 15-15 दिनों के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाती है, जहां रहने के लिए भाड़े पे एक मकान लेकर क्षेत्र में एक दिन दोपहर के समय बंद घर के ताले और दरवाजे की कुलिप तोड़कर घर में रखे जेवर कैश आदि की चोरी डकैती करती है और निकल कर फरार हो जाती है। चोरी करने से पहले यह गैंग विधिवत रूप से अपने औजार की पूजा भी करती है। हाल ही में मणिपुर पुलिस अंतर्गत वसई अंबाड़ी रोड क्षेत्र में भी इसी गैंग ने एक चोरी अंजाम दी थी, जिसकी जांच करते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से एवं कई तकनीकी जानकारियों की मदद से मणिपुर पुलिस की डिटेक्शन टीम ने इस गैंग के 5 आरोपियों एवं गैंग का चोरी किया माल बेचने वाले सफाला के एक रिक्शा मालिक को ऐसे कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 लाख से अधिक का माल बरामद किया है। मीडिया को पूरे मामले की जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप गिरकर ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर क्या कहेंगे कि आज जिन आरोपियों को पकड़ा है, क्या मामला था और किस तरह से इनकी ऑपरेटिंग किस तरह से थी? मणिपुर पुलिस स्टेशन के हद्दी में लगातार दोपहर के टाइम में लॉक तोड़ के घरफोड़ी होती थी। ऐसे 3-4 केसेस हुए थे। अभी 8 दिन पहले ही अंबाड़ी रोड के फार्म हाउस होटल के बाजू में बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में वो महिला कुछ बाजार का सामान लेने के लिए गई थी। 2 घंटे के अंदर ही वो घर का ताला तोड़ के कपाट में से उसके सोने चांदी के दागिने लूट के चले गए थे। मणिपुर के डिटेक्शन स्टाफ ने पूरा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन निकाल के सीसीटीवी का पूरा परस्यू करके उनको कोपरखाना तक 8-10 दिन में कोपरखाना तक उनका कंटिन्यूटी लेके कोपरखाना तक उनको लोकेट करके उनको वहाँ से झोपड़पट्टी से दबोच लिया है। इनका ये जो 5 आरोपी है पूर्णिमा जिला बिहार राज्य के है। पहले भी आए, फेब्रुवरी में भी इन लोग 15 दिन के लिए आए थे। इनका MOB है कि 15-20 दिन आने का, जो कुछ चोरी करने का और वापस बिहार जाने का। इनको पकड़ के फिर 157 ग्राम का सोना और 510 ग्राम का चांदी, ऐसे कुल मिला के 6,12,000 का माल हस्तगत किया है। ये 5 जन चोरी करके सफाला के संतोष पाटिल करके रिक्शा वाला है, उनको ये माल सब बेचने के लिए देते थे, उसको भी हमने आरोपी बनाया है। मणिपुर के 3 घरफोड़ी के गुने डिटेक्ट किए हैं। सर इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ काम धंधा नहीं है कुछ, बस इनका आना 15-20 दिन के लिए थाना या किधर कोई भी सिटी में जाना और घरफोड़ी करना। इनके पास से 2 जो कटावनी जो हमने हस्तगत किए है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसको यहाँ हल्दी कुंकू लगा के उसका शुरुआत की है। इसका मतलब उन लोग भी हल्दी कुंकू लगा के चोरी के लिए निकलते हैं। कटावनी को हल्दी कुंकू लगाया हुआ यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये नया का नया कटावनी लिया है और यहाँ हल्दी कुंकू दिखाई देते हैं उसको। हेलो, हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।